Hello students, welcome to Diameter classes. I hope you are fit and healthy at your home and following the guideline of the PM. So students, today's life changing thought is, do something today that your future will thank you for. आज कुछ ऐसा करें कि आपका भविष्य आपका शुक्रिया अदा करे. तो स्टूडेंट्स, आज आपको आपका आज एक बेहतर बनाना है, एक अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जीना है, तभी आप स्वयं को वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए एक मार्गदर्शन, एक मोटिवेशन का पात्र बन सकेंगे और आप खुद भी अपने फ्यूचर में जाकर अपने आप पर एक गर्व महसूस कर सकेंगे, एक प्राउड महसूस कर सकेंगे कि हाँ, मैंने अपना जो प्रेजेंट टाइम था, जिस टाइम मैं हार्डवर्क कर सकता था, उसको मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और आज मेरा जो भी है वो उस प्रेजेंट टाइम मैंने जो अच्छे डिसीजंस लिए, गुड डिसीजंस लिए, उसके कारण आज मैं जो भी हूँ वो उस कारण हूँ. तो स्टूडेंट्स, आपको आपका जो आज है उसको बेहतर से और बेहतर बनाना होगा. आई होप स्टूडेंट्स, ये लाइफ चेंजिंग थॉट आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस की और, तो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफी बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. अब हम इस चैप्टर के लास्ट पढ़ाव की ओर जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम ट्रायंगल्स चैप्टर, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आपको स्टूडेंट्स given है, एक हाईवे है, वो कहां, एक टावर पे एंड हो रहा है, ठीक है. तो टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. वो कार उस टावर के फुट की ओर आ रही है, ठीक है. फुट की ओर आ रही है, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री और वो आदमी जो है उसको वो कार को ऑब्जर्व करते हुए देखता है कि 6 सेकंड के बाद वो कार और उसके पास आ जाती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री. तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस पॉइंट से उस आने में, उधर वहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा. तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि एक टावर गिवन है आपको, ये टावर, ठीक है. यहां से मेन, यहां पे कोई खड़ा है मेन, उसने ऑब्जर्व किया कि कार जो है यहां पे खड़ी है, तो यहां पे जब खड़ी है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री. तो यहां पे एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. देन कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि ये कार यहां पे आ गई, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री. तो ये कितना हो गया आपका, 60, ठीक है. अगर हम इसको नेम देते हैं ए बी सी एंड दिस विल बी डी. तो स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है कि डी से लगाकर सी तक आने में उसको 6 सेकंड लगे. तो आपको फाइंड आउट करना है कि सी से ए तक जाने में उसको और कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा. तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ओके, टेन थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, अब तो आप बता सकते हैं, थीटा को हम डायरेक्टली 60 लिख देते हैं, हाँ 60. देन कितना होगा, एबी अपॉन एसी, ठीक है. टेन 60 कितना होता है, √3 एबी अपॉन एसी. देन ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपको AB की वैल्यू मिलेगी √3 टाइम्स ऑफ AC, ठीक है. देन उसके बाद हम ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे
वो है ए बी डी, ए बी डी उसके अंदर एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, तो टेन 30 किसके इक्वल होगा, हाइट ए बी अपॉन बेस कितना है पूरा आएगा ए डी, ए डी पूरा आएगा आपका, देन टेन 30 कितना होता है 1/√3, देन ए बी अपॉन ए डी, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए डी इधर आएगा तो उधर आ गया √3 टाइम्स ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो देखिए अब आगे देखिए एडी, एडी क्या है स्टूडेंट्स, देखो एडी को हम लिख सकते हैं एसी प्लस सी डी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे एसी प्लस सी डी इक्वल टू कितना होगा √3 टाइम्स ऑफ ए बी। अगर √3 को हम यहां नीचे लिख देते हैं, कहां लिख रहे हैं इधर, ठीक है तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी किसकी, अगर इसको 1 लेते हैं और इसको ले लेते हैं 2, ए बी इक्वल टू √3 ए सी है और ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी अपन √3 है, तो बाय 1 और 2 हम लिख सकते हैं कि दोनों ए बी के इक्वल लेते हैं दोनों वैल्यूज भी इक्वल होंगे, मतलब √3 ए सी इक्वल होगा ए सी प्लस सी डी अपॉन √3 के, ठीक है √3 यहां मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए सी इक्वल टू कितना आएगा ए सी प्लस सी डी, ए सी इधर शिफ्ट होगा तो कितना आ गया माइनस हो जाएगा तो 2 ए सी इक्वल टू सी डी, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई ए सी किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिंस कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसी कार की यूनिफॉर्म है एंड डिस्टेंस ए सी क्या है ए सी इज हाफ ऑफ सी डी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया और आपको दिया है कि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ए सी, सी डी का डिस्टेंस आपको दिया है तो सी डी को कवर करने का डिस्टेंस कितना है 6, तो ए सी कितना होगा उसका हाफ, तो लिखो स्टूडेंट्स को ऐसे लिखेंगे सिंस कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब विदाउट चेंजिंग एक ही स्पीड में चल रही है, ओके यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिस्टेंस ए सी इज हाफ ऑफ सी डी, ठीक है ए सी इज हाफ ऑफ सी डी, देन हेंस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ए सी, टू कवर डिस्टेंस ए सी किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ टाइम टेकन टू कवर सी डी, तो सी डी में आपको टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड्स का, कैंसल आउट होगा कितना आ गया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड्स, तो ए सी को कवर होने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स 3 सेकेंड, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसमें आपको हाइट आपको पहले से गिवन है, आपको प्रूव करनी है कि उसकी हाइट क्या होगी 6 मीटर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करें, आपको दिया है कि एक टावर है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 2 पॉइंट जो ग्राउंड पे है, ठीक है एक पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पे और एक पॉइंट है 9 मीटर डिस्टेंस पे, वो भी स्ट्रेट लाइन में दिया आपको, और जैसे कि ये ए ये बी सी एंड डी, ओके तो ये कंप्लीट डिस्टेंस है आपका 9 मीटर और ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको
इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि हाइट 6 मीटर आती है नहीं। और आपको क्या दिया है, देखो इन द स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका सम 90 होता है। ओके तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें मेन कंसेप्ट यही था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल का सम कितना होता है 90। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी हाइट अपॉन बेस कितना है एसी। ओके देन ए बी अपॉन एसी कितना आपका 4 मीटर, तो 4 डाल दिया और 10 थीटा को एज इट इज हम ए लेन देंगे। ठीक है देन इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी के अंदर 10 थीटा निकालिए, थीटा कितना आपको 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पुट कर दिया इक्वल टू हाइट ए बी अपॉन और बेस कितना है एडी कंप्लीट है, तो ए बी अपॉन एडी कितना है 9 मीटर, तो 9 पुट कर दिया। देन देखो स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देखा था कि 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे कॉट थीटा से, तो कॉट थीटा, तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा 10 थीटा मल्टी कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4 मल्टी ए बी अपॉन 9। हमने ये भी पढ़ा था कि 10 थीटा मल्टी कॉट थीटा किस इसके इसकी वैल्यू होती है 1। देन देखो ए बी मल्टी ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 9 4 36, तो यहां से आपका ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 36, तो ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 मतलब 6, तो ए बी आपका आ गया 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स देखो आपको जो प्रूव करने को था कि हाइट ऑफ टावर क्या है 6 मीटर, उसको फाइंड करना था, प्रूव करना था, तो आपने इसको इजीली प्रूव कर लिया। लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स और प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर डायमीटर क्लासेस चैनल बना हुआ है वहां पे भी आप आपकी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कीजिए, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन एट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 15 मीटर हाई पिलर। ओके सेकेंड क्वेश्चन है, अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द स्ट्रॉन्ग विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। और आपको इसमें रूट 3 इक्वल टू 1.732 लेना है। ओके स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास पसंद आएगी, सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डायमीटर क्लासेस। स्टे होम स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।